सुषमा अग्रवाल राघव कलर स्टेज की संगीत रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई डिश और स्वीट स्वीट सी डिश है और जो हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्मी सैली की खीर। जो बाजार के जो जवा आते हैं उनकी खीर हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। खीर लिए हैं हमने एक कप बाजार की वर्मी सैली, ये बिना रोस्टेड वाली है। और ये मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 चम्मच देसी घी है जिसमें हम इनको भूनेंगे। और ये किशमिश है, ये मैंने 7-8 केसर की पत्तियाँ दूध में डाल के रख दी हैं, उसका दूध है ये। और ये इलायची पाउडर है जो मैंने चीनी के साथ पीस लिया है। कभी भी अगर कम इलायची है छोटी हरी घर में तो उन्हें चीनी के संग पीस के रख लीजिए आप, तो इस तरह से पाउडर बन जाता है। ये बादाम की कटी हुई कतरन है, मैंने 5-6 बादाम लिए हैं। और 5-6 काजू की कतरन है ये। और ये 5-6 पिस्ता की कतरन है। मैंने ये 1/2 kg से भी थोड़ा ज़्यादा दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है। चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं 1 चम्मच छोटी चम्मच में घी डालूंगी कढ़ाई में। और ये मैंने जो वर्मी सैली ली हैं उनको मैं डालूंगी इसमें। जवा, ये हम लोग घर में बनाते हैं तो इन्हें जवा भी कहते हैं, मैदा से बन जाते हैं घर में ये। और इन्हें सिम गैस पे हम लो मीडियम गैस पे भूनेंगे धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक। और बाजार में ये रोस्टेड भी आती हैं, उनको भी थोड़ा सा हल्का सा घी में रोल करके वो जल्दी बन जाती हैं थोड़ी सी। लगातार चलाते हुए भूनेंगे इन्हें लो मीडियम गैस पर। गैस ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जली जली सी हो जाएंगी। आप चाहें तो सूखी भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि घी में रोस्ट करने से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस और बनती है ये। कभी भी ब्रेकफास्ट में, लंच में, कभी भी आप डिनर में भी बना के खा सकते हैं इसे। देखिए धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन सी हो गई है ये, थोड़ा सा और हमें ब्राउन करना है ना। देखिए अब ये भुन गई है बहुत अच्छे से। देखिए एकदम सिम गैस पे मैंने लो मीडियम गैस पे भुना है इनको। जो मैंने दूध लिया है सारा दूध डालेंगे। अब ये मैं किशमिश डालूंगी, पहले डाल देंगे तो ये फूल जाएंगी। और इसमें से थोड़े से मैं काजू थोड़े से बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। और थोड़े से ही बादाम और थोड़े से ही पिस्ता सब डाल दूंगी मैं। और इसे भी हिलाते रहेंगे हम, थोड़ी ये फूलेंगी अभी। कभी कभी होता है काफ़ी फूल जाते हैं, गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा दूध और मिला लीजिए आप। अब मैं ये डालूंगी इसमें ये इलायची का पाउडर जो मैंने लिया है चीनी के संग, इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा ये भी। और अभी डालने से ही पूरी तरह से अच्छे से इसमें मिलेगा। और इसके बाद मैं डालूंगी ये केसर वाला दूध पत्तियों सहित। 2-3 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ जिससे अच्छे से ये फूल लेंगी। चलिए देखते हैं, 5 मिनट हो गए हैं हमारी कितनी पक गई है खीर। देखिए काफ़ी अच्छा सा, वाह कितना मज़ेदार कलर आया है, बहुत अच्छे से देखिए जस्ट डबल हो जाती है ये, पक जाती है। थोड़ा सा आप चाहें तो इस तरह से दबा के भी देख सकते हैं कि एकदम ये मैश हो जाती है। तो इसका मतलब हमारी खीर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें लगातार चलाते रहिए और चीनी को इस तरह से डालिए तो ये फटेगी नहीं, तुरंत खानी है तो ये टेक्सचर इसका बिल्कुल सही है। क्योंकि ये बाद में थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, रख के थोड़ा सा ये दूध को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत ही यमी अच्छी सी डिलीशियस स्वीट डिश बन के तैयार हुई है ये हमारी, तो इसी ले लीजिए, हमारी खीर बन के बिल्कुल तैयार है। चलिए मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसको गार्निश करूंगी, ये मैंने बचाए हुए थे। और फिर डालूंगी इसमें मैं काजू थोड़े से। और ये अब जाएगा इसमें पिस्ता।
लीजिए दोस्तों, ये वर्मी सैली की स्वीट स्वीट सी खीर बनके तैयार है। और खाइए, खिलाइए और बनाइए, और अपने अनुभव मेरे संग जरूर शेयर करिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली डिश के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।